हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर 3 में आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर के बारे में बताया था और ये लेक्चर 4 में क्वेश्चन नंबर 15, इसको ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है। अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, तो कल इंक्रीजिंग ऑर्डर के बारे में बताया था, आज आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर के बारे में बताऊंगा। ठीक है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर को डिसेंडिंग ऑर्डर भी बोलते हैं। ठीक है, अब डिक्रीज मींस क्या होता है, कमी, और इंक्रीज मींस बढ़ोतरी। ठीक है, इंक्रीज मतलब छोटे से आगे की तरफ जाना है। ठीक है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ जाना, और ये क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है, डिसेंडिंग ऑर्डर है, तो इसमें क्या करेंगे, हम बड़ी संख्या से छोटी संख्या की तरफ आएंगे और उसको फिट करेंगे। अब जैसे ये ऑप्शन 1 में दिया हुआ है 345, 543, 435, 34, 45, 405। अब डिसेंडिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखने के लिए क्या करेंगे, जो इसमें सबसे बड़ी संख्या होगा, ठीक है, पहले उसको लिखेंगे, उसके बाद जो छोटी संख्या होगा उसको लिखेंगे, फिर उसके बाद जो छोटी संख्या होगा उसको लिखेंगे, यानी कि लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट नंबर, है ना। तो इसमें देखिए सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, ये 543 सबसे लार्जेस्ट नंबर है ना, तो सबसे पहले हम इसको 543 लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद इससे स्मॉलेस्ट कौन है, देखिए ध्यान से, ये 435 है ना, 435 से छोटा कौन सा है, देखिए इसमें पूरे रो में देखिए तो आपको ये मिलेगा, क्या है वो 405। 405 से छोटा कौन सा है, ध्यान से देखिए, ये आपका 345। ठीक है, अब 345 से छोटा कौन सा है, अब इसमें तो दो ही बचा ना, तो दो बचा तो इसमें से देखिए ये 45 हो जाएगा, और इससे छोटा कौन सा है, 34, तो यहां पर हम 34 लिख देंगे। ठीक है, यानी कि लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट नंबर, और इसको बनाने के लिए सबसे अच्छी चीज है, जब इसको बनाएंगे तो नीचे अंडरलाइन करते हुए चलेंगे, ताकि आपको ये चीज समझ में आ जाए कि ये चीज मैं लिख दिया हूं तो दोबारा वो रिपीट नहीं होगा, है ना, कंफ्यूजन आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही ऑप्शन बी में आई है, इसमें भी आपको क्या करना है, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है, तो इसमें भी सबसे लार्जेस्ट नंबर आप एक नजर देखिए, सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, इसको देखिए, इसमें सबसे लार्जेस्ट नंबर, तो इसमें देखिए सबसे लार्जेस्ट नंबर है 651, तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे, उसके बाद इससे छोटा कौन है, ध्यान से देखिए ये क्या है 535, तो उसके बाद हम इसको 535 को लिख देंगे। 535 के बाद छोटा कौन है, ये देखिए ये 354 लिख देंगे, तो ये भी हो गया। अब हमको देखना है इसके बाद कौन सा छोटा है, 156, 65 और 165, तो ये लिखेंगे पहले 165, ये भी हो गया मेरा, इससे छोटा कौन सा है 156, इसको 156 लिख देंगे, फिर इसके बाद सबसे छोटा 65 है, इसको हम 65 लिख देंगे। ठीक है, कहीं आपको इसमें कोई भी किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं होगा, अगर कंफ्यूजन होगा तो आप उसके लिए पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन नंबर 16, पिछले क्लास में प्लेस वैल्यू के बारे में आप पढ़े होंगे, है ना, ये तो फर्स्ट चैप्टर ही आपका समझ लीजिए रिवीजन वाला चैप्टर है, तो उसमें पढ़ेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 16 में क्या लिखा हुआ है, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ठीक है,
ये जितना भी नंबर दिया हुआ है ऑप्शन में ए बी सी डी ई एफ जी एच जो भी है, ये जितना भी नंबर्स आपका दिया हुआ है और इस नंबर्स के नीचे मतलब जिस डिजिट के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है उसका हमको क्या करना है, प्लेस वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो प्लेस वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं इसको देखिए। प्लेस आपको पता होगा, अब जैसे इसमें हमको 9 का निकालना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपको एक चीज में एक प्लेस होता है वंस टेंस हंड्रेड। ठीक है, अब जैसे कोई भी है जैसे मान लीजिए 634, ये एक नंबर्स है और ये नंबर्स में जैसे हम लिखे हुए हैं तो ये आपका वंस प्लेस पे आता है, ये टेंस प्लेस पे और ये हंड्रेड प्लेस पे, यानी कि राइट टू लेफ्ट जाते हैं। तो राइट से जब शुरू करते हैं लिखना तो जो पहला जो डिजिट आता है वो वंस प्लेस का होता है, सेकेंड डिजिट जो है टेंस का होता है और थर्ड डिजिट जो है हंड्रेड का होता है। वैसे ही आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो हंड्रेड हो जाएगा, थाउजेंड हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा, लाख हो जाएगा, 10,00,000 करोड़, वैसे ही वो उसका बढ़ता रहता है। ठीक है, लेकिन क्या है सबसे पहले आपके क्लास में ज्यादातर मोस्टली 3 डिजिट या 4 डिजिट नंबर के बारे में ही हमको पढ़ना है। तो ये वंस टेंस हंड्रेड और थाउजेंड तक मान के चलिए इस पर, है ना। तो प्लेस वैल्यू जैसे इस सब में हमको निकालना है तो ये सब 3 डिजिट नंबर का ही दिख रहा है ना, ये सब 3 डिजिट नंबर है। चलिए यहाँ पर मैं आपको 3 डिजिट नंबर का ही बता दे रहा हूं। तो इसको समझिए, इसको आप जैसे ये 4 है, ये 4 है ना, इस 4 को आप क्या किस प्लेस पे है, वंस प्लेस पे है। जब वंस प्लेस पे है तो इसको क्या लिखेंगे हम, 4 वंस दैट इज कॉल्ड 4। ठीक है, वैसे ही 3 किस प्लेस पे है, टेंस प्लेस पे है, इसको हम लिखेंगे 3 टेंस दैट इज कॉल्ड 30। वैसे ही 6 किस प्लेस पे है, हंड्रेड प्लेस पे है, इसको हम लिखेंगे 600 दैट इज कॉल्ड 600। तो ये 4 जो है क्या हुआ इसका 634 का, ये 4 जो है मान लीजिए इसका प्लेस वैल्यू हमको निकालना है तो इसका प्लेस वैल्यू हमारा 4 हो जाएगा। वैसे ही 634 में 3 का प्लेस वैल्यू अगर पूछता है 3 टेंस दैट इज कॉल्ड 30, ये प्लेस वैल्यू इसका 30 हो जाएगा। ऐसे 600 इसका अगर 6 का प्लेस वैल्यू पूछता है तो इसका प्लेस वैल्यू आपको 600 हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको लगता है कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा, पिछले क्लास में आप पढ़े भी होंगे और समझे समझे भी होंगे, लेकिन रिविजन के तौर पर आपको ये मैं इतना आपको बता दिया, इसको आप माइंड में रखिए। ठीक है, और इसको माइंड में रखिए, उसके बाद आगे आप इस एक्सरसाइज को आप हम सोल्व करके बताते हैं। अब देखिए, अब ये जितना भी नंबर्स दिया हुआ है सबके नीचे जिस डिजिट के नीचे ये अंडरलाइन किया हुआ है इस सबका हमको क्या करना है, प्लेस वैल्यू निकालना है। ठीक है, प्लेस वैल्यू निकालने के लिए इसमें क्या बोल रहा है सबके नीचे, अब 9 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, ये किस प्लेस पे है ध्यान से देखिए, आपको अभी मैं समझाया हूं वंस टेंस हंड्रेड, ये टेंस प्लेस पे है ना, ये क्या हो जाएगा 90। ठीक है, वैसे ही ये 7 का प्लेस वैल्यू 7 हो जाएगा क्योंकि वंस प्लेस पे है, और ये 126 ये 1 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर देखिए किस प्लेस पे है 1 वंस टेंस हंड्रेड, हंड्रेड पे है ना, तो इसका हो जाएगा 541, इसका हो जाएगा प्लेस वैल्यू 40 और इसका प्लेस वैल्यू इसमें 9 लेके हो जाएगा 9 हो जाएगा। वैसे ही इसमें 6 का प्लेस वैल्यू 60 और 4 का प्लेस वैल्यू 400 और 7 का प्लेस वैल्यू 70। ठीक है, चलिए
इसमें एक चीज और भी आप ध्यान से देखिए, ये जितना भी था आपको नॉमिनल में समझाने के लिए इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा वो आपको मैं बता दिया, मतलब आपके इस क्वेश्चन में जितना भी ऑप्शन था उसको मैं बता दिया, अब इस और पीछे में आपको यहाँ पर मैं समझाया भी। इसी टाइप से अगर किसी भी चीज के बारे में कोई भी अगर प्लेस वैल्यू अगर पूछता है तो वैसे ही सबसे पहले उसका प्लेस देखेंगे, और प्लेस देखने के बाद जिस प्लेस पे होगा उस हिसाब से उसको हम फिट कर देंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 17 में आइए। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, राइट ऑल पॉसिबल 3 डिजिट नंबर्स यूजिंग ऑल द डिजिट्स 8, 3, 9। मतलब 3 डिजिट नंबर ये जो दिया हुआ है ना 8, 3, 9, इसी को यूज करके प्रयोग करके 3 डिजिट का संभावित और कितना सा नंबर बन सकता है उसको आपको बनाना है। ठीक है, उसमें कोई रिपीट नहीं है, इसका भी ध्यान रखना है। तो इसको कैसे बना, जैसे चलिए इसको मैं बताता हूँ, लेट द 3 गिवन डिजिट्स बी 8, 3, 9। यही हम तीनों जो है 8, 3, 9 ये 3 डिजिट नंबर दिया हुआ है और इसी के सहायता से हमको बनाना है। ठीक है, द 3 डिजिट्स नंबर विच कैन बी फॉर्म यूजिंग दी डिजिट्स आर, सो लिखिए, और ये कैसे बनेगा उसको मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अब देखिए ये 8, 3, 9 है और इसे हमको बनाना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसमें 1, 2, 3 3 डिजिट नंबर है ना, सबसे पहले हम एक तरफ से कहीं से शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए नंबर्स विथ 8 इन द 100 प्लेस, अगर इसको हम 100 प्लेस पे रखते हैं 8 को, तो 100 प्लेस पे रखेंगे तो इससे कितना नंबर्स और बन सकता है। ठीक है, तो इसको अगर 100 प्लेस पे हम रखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा 839 और 893। इसको तो 100 प्लेस पे हम 8 को रख दिए तो इसको 839 और 893, इससे मतलब 100 प्लेस पे इसको रखेंगे तो ये 2 नंबर्स बनेगा। ठीक है, चलिए और इसके बाद क्या है, ये 3 है तो नंबर्स विद 3 इन द 100 प्लेस, अब इसको 100 प्लेस पे रख करके देखते हैं, अगर 3 को 100 प्लेस पे रखते हैं तो उससे क्या बनेगा, यहाँ पर इसको 100 प्लेस पे रखिए तो 389 और 398, 389 398, मतलब इससे 2 नंबर बना, इससे 2 नंबर बना। वैसे ही अब इस 9 को जो है इसको 100 प्लेस पे रख करके देखते हैं, नंबर्स विथ 9 इन द 100 प्लेस, अगर इसको 9 को अगर 100 प्लेस पे रखते हैं तो क्या बनेगा 938 और 983। ठीक है, इससे भी 2 बना, इससे भी 2 बना, इससे भी 2 बना, यानी कि जितना पॉसिबल है इससे आपको 2, 4, 2, 6 जितना पॉसिबल है जो कोई भी एक दूसरे से रिपीट नहीं किया है और इससे ज़्यादा ये बनेगा नहीं। ठीक है, तो इसको एक तरफ से कहीं से आप शुरू करेंगे और सबको 100 प्लेस पे रखेंगे, क्योंकि 3 डिजिट का है ना इसलिए 100 प्लेस पे रख करके और वहाँ से उसको हम बनाना शुरू करेंगे और वैसे वो बन जाएगा। अगर क्वेश्चन ऐसा ही हो और इसी में अगर पूछ देता हो ग्रेटेस्ट नंबर इसमें क्या बताइए और स्मॉलेस्ट नंबर बताइए, इसी से बनाना भी हो और इसी का अगर ग्रेटेस्ट नंबर भी पूछता हो और स्मॉलेस्ट नंबर भी पूछता हो तो सेम वैसे ही आप बना लेंगे, और इसमें अगर देखेंगे तो इसमें अगर आप चेक कर लेंगे तो इसमें आपको ग्रेटेस्ट नंबर का भी पता चल जाएगा और स्मॉलेस्ट नंबर का भी पता चल जाएगा। ठीक है, अब इसमें आप एक बार चेक कर लें, चूंकि इसमें स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर के बारे में नहीं पूछ रहा तो जो पूछा वो मैं आपको बता दिया, लेकिन ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर अगर पूछता है तो भी इसमें से आप उसको फाइंड करके बता सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 18 में आइए। क्वेश्चन नंबर 18 एकदम सेम 17 की तरह है, इसमें भी 3 डिजिट नंबर का पॉसिबिलिटी यूज किया है 720, यहाँ पर 839 के थ्रू बनाए थे और यहाँ पर हमको 720 के
थ्रू बनाना है। प्रोसेस सेम है, सबको अपना प्लेस वाइज उसको दिखाइएगा, वैसे ये आपका होमवर्क रहेगा, इसको आप बना करके अपने से चेक कीजिएगा, फिर आगे जो भी है उसको अगले लेक्चर में ये बताऊंगा, ठीक है।